कपास उत्पादक किसान उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। दरअसल बुरहानपुर कृषि उपज मंडी में कपास नीलामी 2 साल से बंद है। 2 जिनिंग इकाइयां तो शुरू हो गई, लेकिन भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। इस पर भी टैक्स ज्यादा होने से किसान उपज नहीं ला रहे। ज्यादातर किसानों ने उपज को स्टॉक कर रखा है। किसान खरगोन और महाराष्ट्र की मंडियों में भाव और तेज होने का इंतजार कर रहे हैं। भाव बढ़ने पर इन मंडियों में उपज बेचेंगे। महाराष्ट्र की सीमा से लगे बुरहानपुर में पिछले 1 दशक से कपास का दाम सही नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। महाराष्ट्र में टैक्स कम होने के कारण यहां की जिनिंग इकाइयां महाराष्ट्र चली गई। जो जिनिंग इकाइयां बची वो भी किसानों को दाम कम दे रही हैं। इसीलिए किसान जिले में कपास बेचने से बच रहे हैं। इस पर में दाम में तेजी आने पर किसान इन मंडियों में ही जाकर माल बेचेंगे। पिछले साल दीपावली के पहले ही जिनिंग इकाइयां शुरू हो गई थी, लेकिन अब नवंबर की शुरुआत तक 12,000 क्विंटल कपास जिनिंग इकाइयों में आ गया है, लेकिन इस बार 5,000 क्विंटल कपास भी नहीं पहुंच पाया। कपास फसल कटाई का काम 70% हो चुका है, लेकिन किसान उपज का स्टॉक कर बैठे हैं। भाव ठीक मिलने पर वे दूसरे जिलों की मंडियों में जाकर इसे बेचेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं, जो किसानों को लालच देकर कम दाम में उपज खरीद रहे हैं। दरअसल जिले में कपास का स्टॉक करने वाले किसान दिसंबर में इसे बेचने निकलते हैं। इसका बड़ा कारण इस समय भाव अच्छे मिलना है। किसानों का कहना है कि अभी जिनिंग इकाइयों में 8,000 का भाव है, ये कम है। महाराष्ट्र व खरगोन की मंडियों में भाव ज्यादा है, इसीलिए ज्यादातर किसान उपज का स्टॉक कर रहे हैं और वो आगे दिसंबर में इसे बेचेंगे। किसानों का रुझान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वहां जाने की दूरी कम है और टैक्स भी कम और भाव मध्य प्रदेश से ज्यादा है। टैक्स और भाव के चक्कर में किसान जिनिंग इकाइयों में भी कपास नहीं ला रहे। इस कारण नवंबर में जिनिंग इकाइयों में जहां सफेद सोना नजर आता था, वहां अब सन्नाटा पसर गया है। व्यापारियों का कहना है कि दूसरी मंडियों में कपास के भाव में तेजी है, इसीलिए किसान वहां उपज लेकर जा रहे हैं और इन मंडियों में उपज नहीं ला रहे। टैक्स के कारण भी परेशानी बढ़ गई है। पिछले दिनों हड़ताल भी हुई और नीलामी भी बंद की गई थी, लेकिन इसका सरकार पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। बुरहानपुर के किसानों का ज्यादा रुझान महाराष्ट्र में कपास बेचने को लेकर बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण है कम टैक्स और भाव ज्यादा मिलना। जिले में 8,000 रुपए क्विंटल का भाव चल रहा है। ऐसे में एक क्विंटल पर बुरहानपुर में 136 रुपए टैक्स लगता है, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 20 रुपए। किसान 10 क्विंटल कपास बेचता है तो उसे 1200 रुपए तक टैक्स में ही फायदा मिल जाता है। वहीं महाराष्ट्र में जलगांव की मंडियों में अभी 10 से 12,000 रुपए क्विंटल के दाम चल रहे हैं, जो आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में कपास पर मंडी शुल्क फिलहाल 1.5% है और निराश्रित शुल्क 0.20% वसूला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।